पूरा जो एक भव्यता है श्री राम का, जो स्वरूप है अपने पिता के घर में अयोध्या में, एक बालक राजकुमार के रूप में वो सुशोभित है, उस रूप में उनकी एक दर्शना कराई गई। कम समय था क्योंकि अरुण योगी राज जी की प्रतिमा जब चयनित की गई उसके बीच और सारे काम पूरा होने के बीच में मात्र 15-16 दिन का समय था। उसमें से भगवान विष्णु के स्वरूप, राम के स्वरूप को लेकर के जिस तरह के आभूषण की परिकल्पना की गई है, भगवान के एक एक आभूषण की डिटेलिंग की गई और उसको माणिक से, पन्ना से, हीरे से, मोतियों से और स्वर्ण से निर्मित किया गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान धारण कर कर के उसे पूरा देश पसंद कर रहा है। इसके लिए मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि श्री रामलला की सेवा के लिए मुझे एक मौका दिया गया। और इसके लिए विशेष रूप से ट्रस्ट के सचिव, महासचिव श्री चंपत राय जी का धन्यवाद करता हूँ। और भगवान की शास्त्र सम्मत किस तरह से उनको आभूषण पहनाए जाएँ, उनका अलंकार हो, इसकी जिम्मेदारी दी गई। और कम समय था क्योंकि अरुण योगी राज जी की प्रतिमा जब चयनित की गई उसके बीच और सारे काम पूरा होने के बीच में मात्र 15-16 दिन का समय था, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से उसके लिए काम किया गया। अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और दक्षिण में प्रचलित यमुनाचार्य जी के आलवंदार स्त्रोत, जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान वेंकटेश की आराधना में हमेशा पढ़ा जाता है, उसमें से भगवान विष्णु के स्वरूप, राम के स्वरूप को लेकर के जिस तरह के आभूषण की परिकल्पना की गई है उसका प्रयोग किया गया। इसके लिए हर्ष हायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने अपना सहयोग दिया। उन्होंने बड़ी मेहनत से 132 कलाकारों के टीम के साथ ये काम किया। रोज़ डिज़ाइन बन के आते थे, हम लोग उसमें से चयन करते थे, फिर ट्रस्ट में दिखाया जाता था। दक्षिण के और उत्तर भारत के श्रेष्ठ जो रामकथा मर्मज्ञ हैं, संत हैं, गोविंद देव जी, गिरी जी महाराज हैं, उन सब से राय लेते हुए चंपत राय जी की देखरेख में ये संपन्न हुआ। और फिर किस तरह से भगवान का मुकुट किरीट होगा, किस तरह से उनके गले में कौस्तुभ मणि धारण कराई जाएगी, किस तरह से भगवान के मुकुट में सूर्यदेव विराजेंगे क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं, फिर आगे किस तरह से पदक पहनाया जाएगा, गले और नाभि के बीच में जो एक बड़ा हार पहनाया जाता है, मुद्रिकाएँ कैसी होंगी, मोती की लड़ियाँ कैसे लगेंगी, उनके कांची कमरधनी कैसे पहनाई जाएगी, पैर में पैजनियाँ होगी, स्वर्ण का धनुष होगा, तीर होगा, और क्योंकि बालक रूप में सुशोभित हैं भगवान राम तो उनके खेलने के खिलौने होंगे, तो हाथी, घोड़ा, ऊँट, लट्टू, झुंझुना और खिलौना गाड़ी ये बनवाई गई। भगवान का छत्र निर्मित कराया गया, भगवान के एक एक आभूषण की डिटेलिंग की गई और उसको माणिक से, पन्ना से, हीरे से, मोतियों से और स्वर्ण से निर्मित किया गया। वैजयंती माल बनाया गया, वैजयंती माल जो विजय का माल है, बड़ा स्वर्ण का था, उसमें 5 प्रकार के फूल लगाए गए जो भगवान राम को प्रिय हैं, उसमें चंपा, कमल, कुंद, पारिजात और तुलसी दल था। तो इस तरह से इन आभूषणों की परिकल्पना की गई और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान धारण कर करके उसे पूरा देश पसंद कर रहा है। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि श्री राम की महिमा है, उनकी भव्यता है, उनको एक साधारण फूल की माला भी पहना दी जाए तो वो उतने ही दिव्य लगेंगे जितना कि वो इन आभूषणों के साथ लग रहे हैं। सर, उनके भुजदंड में कैसा शोभायमान, उनके भुजाओं में अंगद या भुजबंध पहनाया गया है, उसमें भी माणिक और पन्ने और हीरे लगे हुए हैं, चरणों में पैजनियाँ पहनाई गई है और छड़ा पहनाया गया है। बहुत मशहूर पद है तुलसीदास का, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनियाँ, तो पैजनी की कल्पना की गई। और जो कांची पहनाई गई, जो कमरधन पहनाई गई, उसमें क्षुद्र घंटिकाएँ लगाई गई, घंटी जो मंगल ध्वनि सुशोभित करती हैं, तो ऐसी 5 घंटियाँ हीरे की बना के लगाई गई। पूरा जो एक भव्यता है श्री राम का, जो स्वरूप है अपने पिता के घर में अयोध्या में, एक बालक राजकुमार के रूप में वो सुशोभित है, उस रूप में उनकी एक दर्शना कराई गई। और मुझे लगता है कि इतना सब पहनाने के बाद भी भगवान की भव्यता उनके अपने दिव्य स्वरूप, उनके तेजोमय रूप, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम स्वभाव के कारण है। इस बात का जरूर ध्यान रखा गया, पूरी गरिमा के साथ और पूरे मर्यादा के साथ सारी परंपरा का निर्वहन हो, जिसे करने का हमने प्रयास किया। इसके लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभारी हूँ,
इसके लिए इसके बनाने वाले कारीगरों का आभारी हूँ, हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स का आभारी हूँ, और जो भी थोड़ी बहुत मेरी भूमिका रही मैं उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भगवान राम का जो हार पहनाया गया है माला, वो काफ़ी विशिष्ट लग रहा है, ये कहाँ निर्मित की? ये सब ज्वेलर्स ने बनाया और इसको जयपुर में भेज करके कारीगरों ने तैयार किया। पंच लड़ियों के ये पदक बनाई गई है जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है, और उसमें हीरों का हार है जिसमें बड़े बड़े पन्ने सुशोभित हैं। पन्ने का भी एक खास महत्व है कि पन्ना बुद्ध का प्रतीक होता है, सूर्य भगवान के साथ पन्ना लगाते हुए एक बुद्धादित्य योग का भी संयोग किया गया, और श्री राम के वैभव को, श्री राम की मर्यादा को उनके कुल परंपरा के अधीन इस तरह के गहनों का निर्माण किया गया। सर, आपने मंगल ध्वन की विशेषता पर ध्यान दिया था, क्या विशेषताएं थी इसकी, क्या है? जब ट्रस्ट ने मुझे काम सौंपा कि मंदिर में, ये मेरी ही परिकल्पना थी कि जिस समय प्राकट्य हो रहा हो, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, उस समय संगीत होना चाहिए, मंगल ध्वनि होना चाहिए जैसा कि दक्षिण में और उत्तर के भारत के मंदिरों में होती है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके आगे बढ़ते हैं, तो उसमें एक अवधारणा रहती है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबका समन्वय हो। चूँकि रामलला सबके हैं, भगवान सनातन हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं, एक सांस्कृतिक नायक हैं, उनको देश आस्था अध्यात्म साहित्य कला हर क्षेत्र में देखता है, हर कला परंपरा में श्री राम कथा का गायन और नर्तन होता है, तो मुझे लगा कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो अधिकतर राज्यों से वहाँ के मंगलवाद्य बुलवाए गए, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से घटम था, उत्तर प्रदेश से बांसुरी और पखावज थी, मृदंगम आया, पंजाब से अलगोजा आया, राजस्थान से रावण हत्था आया, तमिलनाडु से नादस्वरम आया, तो इस तरीके से तविल आया। हमने मंगल ध्वनि की अवधारणा रची और देश के शीर्षस्थ गायकों ने उसमें राम धुन गा के भजन गा करके अपनी राग सेवा अर्पित की, जिसमें सोनू निगम जी, अनुराधा पौडवाल और कविता पौडवाल, हरिहरन जी, शंकर महादेवन, मालिनी अवस्थी, कैलाश खेर और अनवर खान साहब मंगणियार, इन सब लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। एक बात मैं ऐनाई से कहना चाहूँगा कि जितने भी कलाकार वादक आए थे जिन्होंने मंगल ध्वनि की, हमारी परिकल्पना को साकार किया, सभी ने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, सभी ने अपनी तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट के लिए, भगवान रामलला के प्राकाट्य के लिए ये उत्सव रचा। जिस समय मूर्ति का अनावरण हो रहा था उस समय मीराबाई जी की धुन पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो मंगल ध्वनि के रूप में बजाई जा रही थी, और सारे कलाकार उसके बाद लक्ष्मणाचार्य जी का भजन रघुपति राघव राजा राम संकीर्तन के रूप में गा रहे थे। हमने शुरुआत की थी राम का गुणगान करिए से, फिर आरती के समय श्री रामचंद्र के पाल भजमन की धुन बजाई गई और उसे शंकर महादेवन जी ने गाया। पूरी कल्पना ही इस आधार पर थी कि मंगल का, उत्सव का, शुभता का प्रतीक उल्लास हम संगीत के माध्यम से रच सकें। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आधुनिक किसी वाद्य का हमने इस्तेमाल नहीं किया, जो भी आधुनिक प्रचलित वाद्य हैं उनको छोड़ करके भारतीय परंपरा में और मंदिरों के गोपुरम में बजने वाले, रंग मंडप नृत्य मंडप में बजने वाले वाद्यों का इस्तेमाल किया, जैसा प्राचीन काल में उल्लेख मिलता है।